साले ने जीजा की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन में रिश्ते खूनी हो गए, जहां एक साले ने की बहनोई की धारदार हथियार से हत्या। जानकारी के अनुसार अनुज वाजपेयी का अपनी पत्नी के साथ विगत कई वर्षों से घरेलू विवाद चल रहा था। रक्षाबंधन के दिन अनुज वाजपेयी अपनी पत्नी को छोड़ने बिधनू थाना क्षेत्र के गंगापुर कॉलोनी कुंज विहार आया था, जहां से शाम को जब वह पत्नी को लेने वापस आया तो साले अनुज मिश्रा से बहन को परेशान करने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसके बाद अनुज मिश्रा ने अपने जीजा अनुज वाजपेयी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे मौके पर उपस्थित परिजनों में हंगामा मच गया। हत्या की सूचना पर आसपास के पड़ोसी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ घाटमपुर ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 अगस्त को थाना बिधनू के अंतर्गत कुंज विहार कॉलोनी में अनुज मिश्रा द्वारा अपने बहनोई भानु वाजपेयी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बिधनू पुलिस द्वारा अनुज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आला कतल को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का निरीक्षण एसपी आउटर महोदय, एडिशनल एसपी आउटर महोदय और मेरे द्वारा कर लिया गया है। स्थिति सामान्य है। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।